नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे जीके वायर्स लिमिटेड के स्टॉक स्प्लिट के बारे में। इस वीडियो में कंपनी की ओर से अनाउंस की गई स्टॉक स्प्लिट के बारे में बात करेंगे, साथ साथ कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और कंपनी के फाइनेंशियल नंबर को भी देखेंगे। सबसे पहले स्प्लिट की डिटेल को देख लेते हैं। तो कंपनी की ओर से स्प्लिट का रेशियो 2:10 रेशियो रखा गया है, यानी कि जिनके पास अगर 1 शेयर तक स्टॉक स्प्लिट के बाद जो टोटल 5 शेयर हो जाएंगे, और अगर किसी के पास अगर 100 शेयर तक स्टॉक स्प्लिट के बाद जो टोटल 500 शेयर हो जाएंगे। कंपनी की ओर से स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दी गई है, जो कि 23 अक्टूबर है, यानी कि जो भी 22 अक्टूबर की शाम को मार्केट क्लोज शेयर को बाय करके होल्डर का स्टॉक स्प्लिट के लिए एलिजिबल होगा। इसके अलावा स्टॉक स्प्लिट कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू भी चेंज होगी, जो कि 10 से घटकर 2 हो जाएगी। और स्टॉक स्प्लिट से कंपनी के फंडामेंटल में कोई चीज, केवल और केवल शेयर में जो है बाय और सेल का वॉल्यूम बढ़ने से बायर को बाय करने में दिक्कत नहीं होती और सेलर को सेल करने में। एक एज्यूम करके चलते हैं कि कंपनी के शेयर का आज करंट क्लोजिंग प्राइस जो है 345 है, और अगर यही प्राइस जो है 22 अक्टूबर की शाम तक रहता है, 23 अक्टूबर को स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी का शेयर जो है 69 रुपए पर ओपन होगा। वहीं अगर मार्केट ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, शेयर का प्राइस कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर 22 अक्टूबर की शाम को अगर 350 पर क्लोज हुआ, 23 अक्टूबर को स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी शेयर जो 70 रुपए पर ओपन होगा। वहीं अगर 22 अक्टूबर की शाम को अगर 300 पर क्लोज हुआ, 23 अक्टूबर को स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी शेयर जो है 60 रुपए पर ओपन होगा। यानी कि 22 अक्टूबर जो भी शेयर क्लोजिंग प्राइस रहेगा, उसके हिसाब से प्राइस जो 23 तारीख को स्टॉक स्प्लिट के बाद एडजस्ट होगा। इसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल नंबर को देख लेते हैं। तो लास्ट 5 क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू में जो है ग्रोथ देखने को मिली है, और लास्ट के जून के क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू जो है 101 करोड़ रहा है। वहीं कंपनी नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 5 क्वार्टर में कंपनी नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिली है, और लास्ट के जून के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 8 करोड़ रहा है। इसके बाद कंपनी डिटेल को देख लेते हैं। तो कंपनी जो है स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट सेक्टर में आती है, इसमें कंपनी का मार्केट कैप जो है 350 करोड़, जिस कारण कंपनी जो है स्मॉल कैप में आती है। कंपनी का पी रेशो 12 का है। वही प्राइस टू बुक रेशो कंपनी का 4.5 है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 20.5% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कंपनी का 14.5% है। वही कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो 2.29 है। इसके बाद कंपनी के पी रेशो का इंडस्ट्री के पीस तुलना करते हैं तो कंपनी का पी रेशो 12 का है, वह इंडस्ट्री का पी रेशो जो है 16 का है। यानी कि कंपनी जो इंडस्ट्री से काफी सस्ती वैल्यूएशन पे अभी हाल फिलहाल में ट्रेड कर रही है। इसके बाद कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग को देख लेते हैं। तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग जो है 59% के आसपास, जिसमें से 0% प्लेज है। वहीं शेयर की फेस वैल्यू 10 है, जो कि स्टॉक स्प्लिट के बाद जो है 2 हो जाएगी, और कंपनी जो है 1989 में फाउंड हुई थी, और कंपनी के एमडी और सीईओ जो है घनश्याम दास है। ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी फंडामेंटली काफी महंगी भी है और काफी वीक भी है, जिसमें कंपनी का नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कंपनी के ऊपर जो है डेट काफी ज्यादा और कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा है। वहीं कंपनी का मार्केट कैप काफी कम है, जिस कारण से कंपनी के शेयर में जो वॉल्यूम कम होने पर शेयर में दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।